एक सयाना, एक दीवाना, एक गुड्डी के दो तो भाई, जब भी खेले आप मिचोली। एक सयाना, एक दीवाना, एक गुड्डी के दो तो भाई, जब भी खेले आप मिचोली। सारे घर की शामत आई। अरे वाह, अरे कौन कहता है कि मेरा भाई पागल है? मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पलटू दीदी। अरे शाबाश, इसने तो मुझे पहचान नहीं लिया। मेरा चांद, मेरा सूरज। तुझे क्या चाहिए बोल। ये छुई मुई, इसने तुझसे कुछ कहा? हाँ बोल। नहीं नहीं दीदी, की ये अच्छी है, ये तो मेरा ख्याल भी रखती है, पर वो औरत जानकी। अच्छी नहीं है वो, नफरत करता हूं उससे। भैया देख, मैं तो तुझे अच्छी लगती हूँ ना, अब मैं तेरे पास आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़। हाँ पलटू दीदी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? लो कर लो बात। अरे तूने तो मुझे घर से निकाला था और अब पूछता है कि कहाँ चली गई थी। अच्छा खैर ये सब छोड़, अब तू आराम कर। हाँ बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? पलटू दीदी मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं नहीं मैं यही हूँ, तू सो जा आराम से। हाँ भाई, इस घर में नौकर चाकर है कि नहीं? कोई नाश्ता पानी चाय पूछेगा? अरे खाली पेट तो भजन नहीं होता है, तुम लोगों के साथ बकवास कैसे करूंगी? मैं हूं ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओए होए, कापूस की पोरी। दोस्त के नाम पर नौकर पाल रखे हैं तूने जानकी? हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी जानकी पे, तू है बड़ी दिमाग वाली। हाँ दीदी, मैं यहाँ आपको एक वजह से लेकर आई हूँ। आपको यहाँ सबको 20 साल पहले क्या हुआ था ये बताना है। हाँ तो मैं क्या बोलूँ, तू भी तो सब कुछ जानती है ना, तूने नहीं बताया? नहीं दीदी, लेकिन मेरे बेटे को मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा। बोलिए ना दीदी। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। छुई मुई आओ बेटा, आशीर्वाद ले लो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे मनुष्य ये ले, जरा पहले जा जाके मिठाई ले आ। हाँ सीधा मिठाई का डब्बा यहीं लेकर आना, जा और बीच में खा नहीं लेना, सीधा यहीं ले आना। बुआ जी, मुझे सच जानना है। ठीक है,
तो सुन, जानकी और रणधीर का रिश्ता मैंने ही लगाया था। सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। बहुत गरीब घर की लड़की थी जानकी, लेकिन स्वभाव और संस्कार में ऐसी जैसे इस घर को चाहिए थी, इसलिए हमने इसे अपना लिया। मगर फिर क्या हुआ? हमसे एक गलती हो गई। हमें तो जानकी पसंद थी, मगर रणधीर को नहीं। बाबूजी के दबाव में आकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी की रात वो जानकी को अकेला छोड़कर चला गया। बाबूजी ने जाकर उसे डराया, धमकाया, अरे जायदाद से बेदखल कर देने की धमकी दी। तब जाके रणधीर वापस आया पैसों की लालच में, और फिर ये रिश्ता निभाने लगा। इस बीच तो और नीति पैदा हो गए। ये मूर्ख जिसे रणधीर का प्यार समझती थी, असल में वो पैसे के लालच में किया गया दिखावा था। और कोड़ में खुजली वाली बात तो ये हो गई कि तेरे पापा ने कहीं और नैनवा टक्का शुरू कर दिया। रोज रात को शराब पी के आना, जानकी के साथ मारपीट करना। मैंने आवाज उठाई लेकिन मेरा दाना पानी बंद कर दिया। अरे मुझे घर से बाहर निकाल दिया रणधीर ने। बुरा लगता था मुझे जानकी के लिए, बहुत बुरा लगता था। और फिर एक दिन पता चला कि रणधीर उस दूसरी औरत के साथ रहना चाहता था, वो सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहता था। लेकिन वो तब मुमकिन होता जब तुम सब जिंदा नहीं बचते, क्योंकि बाबूजी ने मरने से पहले वसीयत कर दी थी, सारी जायदाद तुम लोगों में बराबर बराबर बांट दी थी। ये आप क्या कह रही हैं लल्ला? कड़वी जरूर है लेकिन यही सच्चाई है लल्ला। रणधीर तुम सबको मारना चाहता था, लेकिन वो कहते ना जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। तेरे बाप के साथ भी यही हुआ। अरे जिस गाड़ी से वो तुम दोनों और जानकी को मारना चाहता था, उसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर रणधीर लापता हो गया। और ये राज बस हम दोनों के बीच रह गया। बेटा, तेरी माँ ने बहुत कुछ सहा है इस इंसान के लिए, मगर इस इंसान ने कभी इसे कोई सुख नहीं दिया, कोई प्यार नहीं दिया। अरे मेरा ऐसा पति होता ना तो मैं तो उसे जहर देकर मार ही डालती। हाँ, लेकिन इसने तेरे और तेरे बहन के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, और कभी भी ये कड़वा सच तुम लोगों के सामने नहीं आने दिया ताकि तुम लोगों की जिंदगी में खुशियां बनी रहे। जा बेटा, जा जा अपनी माँ को गले लगा और माफ कर दे अपनी माँ। जा इसे क्या देख रहा है बेटा, जा ना। मैं आपकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिंदगी में आपने इतना कुछ सहा, पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने पापा को जहर दिया?
मुझे माफ करने रोना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। जिन हालातों में सारी बातें बाहर आ गई उसे तो यही साबित हुआ कि मैं ही सबसे बुरी हूँ। मैं डर गई थी रोना, जब तूने कहा कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा मैं बहुत डर गई थी बेटा। फिर ये भी डर था कि जब तेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो जब उनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी तो तुझे बहुत दुख हो जाएगा। मुझे माफ कर दे रोना, मुझे माफ कर दे। मैंने जो किया उसकी वजह और कुछ नहीं है रौनक, सिवाय कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती रौनक। मुझे माफ कर दे रोना। हाँ ये सही है बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि काजल इस घर की बहू बने। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की तेरे पास आए, क्योंकि मुझे डर था कि तू मुझसे दूर चला जाएगा। मैंने कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश ही नहीं की बेटा, और इस सब में मैं तेरी भाग्य विधाता बन गई और तेरे जिंदगी के सारे फैसले लेना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दे रोना, मुझे सच में माफ कर दे बेटा। तुम सही कहती थी काजल, प्यार में जब स्वार्थ जुड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है बेटा। मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझे बस अपनी खुशियां अपने फैसले नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सबकी जिंदगियां अपने बेटे के प्यार के लिए बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो काजल बेटा, मैं तुम्हारी और अक्षय दोनों की गुनहगार हूँ। मैं अक्षय से माफी तो नहीं मांग सकती काजल, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, पर तुम दोनों तो मेरे आंखों के सामने हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, और तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुझे अपनी माँ पर शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज बेटा। घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।